हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर नूडल रोल। पनीर नूडल रोल बनाने के लिए हमने लिया है, ये एक पैकेट नूडल है जिसे हमने नमक डाल के बॉईल करके लिया है। ये 200 ग्राम हमने पनीर लिया है जिसे हमने इसे लंबे से कट करके लिया है। ये एक टेबल स्पून शेजवान चटनी है, हाफ टी स्पून सोया सॉस है, हाफ टी स्पून रेड चिली सॉस है, ये एक टीस्पून हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट लगेगा, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा, 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है और ये कॉर्नफ्लावर है जो हमें नूडल्स को डस्टिंग करने के लिए लगेगा, ऑयल हमें पनीर को फ्राई करने के लिए लगेगा। तो आइए पनीर नूडल रोल बनाना शुरू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, हम पहले पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखते हैं। ये इसमें हम एक टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, ये सोया सॉस है, रेड चिली सॉस है, ये शेजवान चटनी है, ये ब्लैक पेपर पाउडर है और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। नमक हम कम डालेंगे क्योंकि सभी सॉसेस में नमक है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पनीर 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रखते हैं। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा पनीर अभी 10 मिनट के लिए मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का डस्टिंग करेंगे। कॉर्नफ्लोर का डस्टिंग हम इसको इसलिए करेंगे ताकि ये जो मसाले हमने इसे लगाए हैं ये इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाए। ये हमने इसे कॉर्नफ्लोर का डस्टिंग कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और नूडल्स को भी कॉर्नफ्लोर का डस्टिंग कर लेते हैं। तो ये नूडल्स हमने ऑयल लगा के रखे थे, इसमें मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल के उसे डस्टिंग कर लेती हूँ। इसलिए हमारे नूडल भी कॉर्नफ्लोर से डस्ट हो चुके। अभी हम पनीर को नूडल से कोट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम 5-6 नूडल के लिए है। अभी ये इसे हम कोट करेंगे। पूरे तरह नूडल से कोट करेंगे। अब मैं और एक दिखाती हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसमें से ये थोड़े से नूडल्स उठाएंगे और इससे पनीर को रैप करेंगे। और इस तरह से मैं सभी पनीर पीसेस को नूडल से रैप कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी पनीर को नूडल से कोट करके लिया है। अभी हम इसे फ्राई करेंगे। आइए फ्रेंड्स, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम ये रोल इसमें डालते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे रोल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इस तरह से हम सभी रोल्स को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सभी रोल अभी फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। हमारे पनीर नूडल रोल्स हम शेजवान चटनी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।